मोतिहारी की पिपरा कोठी पीएससी परिसर में ज्योतिबा फुले की जयंती पर कोविड उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव का उद्घाटन गन्ना उद्योग और विधि विभाग मंत्री प्रमोद कुमार ने किया। इस मौके पर डॉक्टर सहित बड़ी संख्या में अन्य स्वास्थ्यकर्मी भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ने वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों का शुक्रिया अदा किया। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक आज इसका विधिवत सदर अस्पताल में और यहाँ अपने पंचायत के इस पिपरा कोठी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इसके उद्घाटन करते हुए आप पोलियो को अभियान चलाकर पोलियो मुक्त भारत बनाए, उसी तरह कोरोना का ये अभियान चलाकर कोरोना मुक्त भारत बनाए, कोरोना हारेगा। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र स्थित सुजालपुर में इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्कूल के तत्वाधान में विद्यालय के संचालकों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान संचालकों ने राज्य सरकार के स्कूल बंदी के निर्णय का विरोध करते हुए कहा कि सरकार कोरोना का भय दिखाकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। बैठक में यह चर्चा हुई कि बच्चों की परीक्षा जो है बाधित हो रही है, परीक्षा सब लोगों का रुका हुआ, तो सब लोगों ने एक मत से यह विचार लिया कि गाइडलाइन और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम संगठन के सभी सदस्य परीक्षा उचित समय पर ले लें ताकि छात्र हित में फायदा हो और अभिभावक को। मुजफ्फरपुर जिले के बोआरी डी गांव में गाय के बछड़े को बचाने के क्रम में पति पत्नी गंभीर रूप से झुलस गए, जिसके बाद इलाज के दौरान पति की मौत हो गई। दरअसल मृतक संजय शाह के गाय ने बछड़े को जन्म दिया था और इस दौरान घर में आग लग गई। वहीं ग्रामीणों के सहयोग से आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। हमको फोन गया है कि भाई तुम्हारा जल गया है, तो वहाँ से हम भागे भागे आए घरे, तो देख रहे हैं घरे कोई नहीं था, तो हम यहाँ आए डायरेक्ट बाजार। बस हम यहाँ देख रहे हैं आदमी को जला हुआ है, डॉक्टर साहब खाली तीन पाँच करके भाई को तो खत्म कर दिया, भौजाई बचा हुआ उसको भी कोई देखने के लिए राजी नहीं है। हाँ भाई डेड कर गया मेरे हिसाब से, क्योंकि सब कुछ निकाल के ले आया है भाई को। हाँ पूरा जल गया। हाँ पूरा जला हुआ है दोनों। कैसे लगा कुछ पता चला नहीं।